हरे कृष्णा। हाँ मेरे को तो बंगला बोलना आता ही नहीं, बंगला हिंदी तो बोले दो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा करावचितपल्लभवल्लरीके राधापदाङ्कविलस मधुरस्थलीके राधां यशमुखं खङ्गाङ्गवलीके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार हाथ उठिए, बोलो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ एक अनाउंसमेंट है, आमरा जे नौका करी पार हुए छी प्रत्येक माथार पिछु 10-10 टका दीते हबे। ओई गेट गाछे आमी दाड़ करी रखे छी, सबाई जावार समय दी जाबे, को फांकी मारबे ना। यदि नावार पैसा ना दे ना निजे फांकी तो बढ़ जाबे हैं। और ई जो गेट को पास में जो एक व्यक्ति को हमने खड़ा कर दिया है, जैसे हम लोग नाव में आएंगे और जाएंगे उसमें हर व्यक्ति के लिए, वो तो ज़्यादा पैसा मांग रहा था क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा पानी है। मैंने बहुत लड़ झगड़े करके बोले नहीं 10 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे, इसलिए आप लोग जाते समय 10-10 रुपया गेट में वहाँ पर दे जाना, इसलिए कोई ठगना नहीं। हरे कृष्णा। हमारा गुरु वैष्णव दर अनुगत्य हमारा एखन जे जगह उपस्थित हो स्थान नाम हलो बेलबन बा श्रीबन बा लक्ष्मीबन हैं। ऐने हमारे अनेक जन्मर भाग्य ते हमारा आज के यही बने उपस्थित हुई छी, किंतु एर जे मूल अधिष्ठात्री देवता होले ने के बोले श्रीमती राधा रानी। ऐ जने वृंदावने देखबे ने केउ कृष्ण रे नाम निए ना, एखाने कार नाम निए, अरे जोर करी बोलो, आर जोर करी बोलो। हाँ एखाने सबाई श्री राधा रानी ने नाम निए, केउ कृष्ण रे नाम केउ निए ना। बोले राधा रानी नाम एखाने केनो निए, कारण की? बोले कारण बोलछेन कृष्ण तिनी ए ओखाने बेल के बाजा छे, बेल बाजाबे ना, बेल एखाने हरे कृष्ण घंटा के बाजा छे। एई जने वृंदावन लोकर राधा रानी नाम केनो निए, कारण की? कारण कृष्ण निजे बोलछेन बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात् ददामी भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभात। कृष्ण निजे राधा रानी महिमा बोलचेन, यदि केवल के वो रा अक्षर बोले दिए कृष्ण चिंता करे हमी ओके की दिबो। बोले हमारे काछे रा शब्द रे विनिमय हमारे काछे किछु देवार थाके ना, कृष्ण बोलचेन हमी निजे ताके दी दे, आज तक हमी तुम्हारे हो गेलाम। आर जगन धा केउ बोले ना कृष्ण बोलचेन हमें और पिछने पिछने दौड़ा थाकि। এই জেনে বাংলা এটা হিন্দিতে একটা কীর্তন আছে, রাধে রাধে রট চলে আয়েঙ্গে বিহারি। এই জেনে রাধা রানী নাম লিলে কি হয়, কৃষ্ণ তার পিছনে পিছনে দৌড়ায়। আর কৃষ্ণ নিজে তিনি রাধা রানীর নামের মহিমা কৃষ্ণ নিজে বলছেন, বলে কি বলছেন, বলে মম নাম সতনাপি রাধা নাম সদুতমম যা করোতি সদা রাধা ना जाने महिमा कीमतम। कृष्ण निजे बोलचेन हैं, यदि कोई एक बार राधा रानी ने नाम निए बोले अमार 100 बार नाम ने और फल मिल जाए। कत बार? यदि अमार कोई 100 बार नाम निए, यदि एक बार के श्री राधा रानी ने नाम निए ताकि वही फल पाओ जाए। ऐ जने हमारे वृंदावन लोग ना खूब चालाक, ऐ जने कहने केव कृष्ण कृष्ण नाम केव निए नकार नाम निए। अरे जोर बोलो, सब राधा रानी नाम नीरा खूब चालाक लोग बुझते पारछन। तो एई जने हमारा जे बने ऐसे छी तत्व तो एई जे बनटी होलो एई जे वृंदावन होलो एटा होलो राधा रानी रे धाम। एई जने वृंदावन के बोला है राधा बन, बोला है वृंदावन के एटा होलो राधा बन। एई जने तिनी लखी से ओई राधा रानी तिनी कृपा पावार जने
এখানে বন মহারাজ বললেন না, যখন তিনি লক্ষ্মী নার থেকে যখন শ্রবণ করলেন যে কৃষ্ণের রাসলীলা হলো দিব্য লীলা, হ্যাঁ কৃষ্ণের রাসলীলা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা, যে রাসলীলার কথা শুনে লক্ষ্মীর মনে ও ইচ্ছা হলো কি আমিও সেই বৃন্দাবনে গিয়ে আমি সেই রাধারানীর কৃপা পাওয়ার জন্য আমি কঠোর তপস্যা করব। এই জন্য এখানে লক্ষ্মী এসে এখানে কঠোর তপস্যা এখানে মা লক্ষ্মী করছেন। হ্যাঁ এই জন্য আমাদের শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলে, রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে বলে, তিনি হলেন রূপানুগ বৈর্য, মানে যত রূপানুগ বৈষ্ণবরা আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তিনি নিজে বলছেন বলে কি বলছেন, বলে যে তুমি যদি ব্রজে বাস থাও আর তুমি যদি সে রাগ ভক্তিতে প্রবেশ করতে চাও কি করতে হবে, বলে অপিত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতি রতিমিত বোম নয়নী কথা মুক্তি ব্যাঘ্রা কিল সর্বাত্ম গিলিনী। তিনি সাবধান করে দিচ্ছেন, বলে কি সাবধান করছেন, বলে খবরদার মুক্তি দিকে যাবে না। তিনি বলছে খবরদার সে যে বৈকুণ্ঠের যে লক্ষ্মী আছে তার প্রতি প্রীতি করবে না, ভালোবাসা করবে না, যদি তার প্রতি ভালোবাসা করে না তখন কি হবে, তোমাকে টেনে আর তুমি আর ওই বৃন্দাবনে যেতে পারবে না। কোথায় যাবে তুমি, তোমায় তখন বৈকুণ্ঠ নিয়ে যাবে আর তুমি সেই বৃন্দাবনে ধামেকে তুমি পেতে পারবে না। এই জন্যে আমরা এই জন্যে এখানে এসেছি, কারণ হলো এখানে আসার লক্ষ্মী থেকে অনেক শিক্ষার বস্তু আছে, যে লক্ষ্মীও তিনি সেই ভগবান কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্যে বা সেই রাসলীলার মধ্যে লক্ষ্মীও প্রবেশ করার জন্য এখানে কঠোর তপস্যা খেয়ে বসে কঠোর তপস্যা তিনি করছেন। এই জন্য আমাদের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিনি বলছেন লক্ষ্মীও এপর্যন্ত ওই বৃন্দাবনে বাস এখন পায়নি, ওই রাসলীলার মধ্যে লক্ষ্মীও এখন তিনি প্রবেশ করতে পারেনি। লক্ষ্মীর কথা আপনারা বলবেন যখন লক্ষ্মী পায়নি এখন আমরা কি করে পেতে পারবো, যখন মা লক্ষ্মী পেতে পারলো না এখন আমরা সেই ভক্তি কি পাব, এই জন্যে কিন্তু আমরা পেতে পারবো, পেতে পারবো বলে কারণে কি বলে, কারণ হলো আমরা যে যুগে এসেছি না এটা হলো কলিযুগ, এবং এই কলিযুগে শ্রী সচিনন্দন গৌর হরি তিনি কৃষ্ণই তিনি কলিযুগে রাধারানীর ভাব তিনি অঙ্গকান্তি নিয়ে কলিযুগে শ্রী সচিনন্দন গৌর হরি রূপে এসেছেন। এই জন্য আমাদের শ্রী প্রেমানন্দ ঠাকুর তিনি বলছেন বলে কি বলছেন, বলে এমন গৌরবিনা নাহি আর, এমন গৌরবিনা নাহি আর, হে নবতার হবে কি হয়েছে হে না প্রেম পরচার, দুরমতি অতি পতিত পাশণ্ডি প্রাণে না মারিল কারে, হরি নাম দিয়া হৃদয় শোধিল যাচি গিয়া ঘরে ঘরে, এ মন গৌরবিনা নাহি আর। এই জন্যে প্রেমানন্দ ঠাকুর বলছেন মহাপ্রভু যে কলিযুগে এসেছেন এই কলিযুগের লোকরা সাধারণ নয়, বলছে সমস্ত দেবতারা বলে দেবতাদের কথা ছেড়ে দিন, যারা সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর যুগে এসেছিল তারাও কলিযুগে মহাপ্রভু ভক্তিতে আসার জেনে মহাপ্রভুর সেই প্রেমকে পাওয়ার জেনে তিনি কি করছেন, তারা সব মানুষ রূপে এসেছে। এই জন্য আপনার যে তিলক ধারণ করিয়াছেন না, ওই গলার মধ্যে কণ্ঠি মালা পড়ি আছেন, আপনারা সাধারণ মনে করবে না, আপনারা দেবতা থেকেও শ্রেষ্ঠ, এবং মনে হচ্ছে আপনারা সত্যযুগ এসেছেন, ত্রেতয়া দ্বাপর যুগেও আপনারা এসেছেন। হিন্দি ভাষী বলে সমঝ রে হো, কেতে যে কণ্ঠি মালা তিলক আপ গৌড়ীয় ধারা মে আয়ে হে না, কেতে ইয়ে একাদশ স্কন্ধ মে বতায়ে, ইয়ে লোক কোই সাধারণ নেই হে ইয়ে লোক, কিউকি ইয়ে কলিযুগ হে, ইয়ে ধন্য কলিযুগ হে, ইসলিয়ে শ্রী হ্যাঁ ইসলিয়ে নরহরি ঠাকুর ক্যা কহতে হ্যাঁ, কে যাবি কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার, ধন্য কলিযুগে রচাই তন অবতা আর,
तन अवतार। एठा होलो ये धन्य कलयुग है, ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन सत्य त्रेता द्वापर यहाँ तक भी देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेकर कौन सा धारा में, ये गौड़ीय धारा में अभिषिक्त तो होना चाहते हैं। इसलिए भैया आप लोग जो कंठी माला पहने हैं ना, ये सब के सब देवता नहीं, देवता से भी बड़े हो, सत्य त्रेता द्वापर में आए हो, अभी आप लोग ने ये इंसान बन करके ये गौड़ीय धारा में आए, मतलब आप लोग कोई साधारण नहीं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। इसलिए महाप्रभु ये कलयुग में मुक्त हस्त से उन्होंने कहते ब्रह्मा वीर बांछित जे प्रेम जगते फैली लढ़ाली आ कंगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली ए मन गौर बिना नाही आर। इसलिए जो प्रेम का ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी भी अभी तक यहाँ पर बैठी करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते लक्ष्मी भी अभी बैठी हुई, बोले क्या पाने के लिए, बोले ये दिव्य रास में ये ब्रज में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी भी यहाँ पर बैठी करके अभी भी तपस्या कर रही है, अभी भी नहीं मिले। लेकिन जो श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में जो लोग आए हैं और उन्होंने सदगुरु से हरिनाम दीक्षा मंत्र लिए हो, गले में कंठी माला पहने है ना, कहते जिसको पाने के लिए अभी भी ये तपस्या कर रही हैं, उद्धव जिसको पाने के लिए गुलमलता औषधि वृक्ष रूप में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो महाप्रभु को धारा में अभिषिक्त है, जो महाप्रभु को धारा में विशेष करके हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज को जो धारा में, हमारे महाराज जी कौन है, श्री रमण मंजरी, उनके गुरुदेव कौन है, विनोद मंजरी, उनको गुरुदेव कौन है, नयन मंजरी, उनको पिताजी कौन है, कमल मंजरी। आप लोगों जो धारा में आए ना, समझो आप लोगों को साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े भाग्य से आप लोग इसी धारा में आए हो। बोले ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं कलयुग में, बोले बाजा या करताली, करताली मतलब कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली, बस केवल ताली बजाते हुए क्या करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बस हो गया और क्या, इतना ही और कौन है। इसलिए महाप्रभु अभी बता रहे थे ना, अभी प्रश्न है ये लक्ष्मी क्यों बैठ कर तपस्या कर रही है, ये तो नारायण की अंकसाई नहीं है, यहाँ क्यों बैठ करके तपस्या कर। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, जहां पर वेंकट भट त्रिमल भट और श्री और प्रबोधानंद सरस्वती जब वहां पर 4 महीना महाप्रभु रहे, वहीं पर उनको साथ में ये डिस्कशन हुई है। महाप्रभु जान बुझ करके प्रश्न करते हैं, मैंने सुना तुम्हारी लक्ष्मी बड़ी पतिव्रता है, वो नारायण को छोड़कर जानते नहीं, लेकिन उसकी पतिव्रता कहाँ गई, वो बैठी करके मेरे कृष्ण तो ग्वाला, वो तो गैया चराने वाले वृंदावन की गली गलियों में, और तुम्हारी लक्ष्मी की जो पति बैकुंठ में रहने वाले, फिर हमारी ये ग्वाला को पाने के लिए ये क्यों कठोर तपस्या कर रही हैं। तो वो त्रिमल भट्ट कहते हैं, बोले प्रभु आपको कहाँ से बात मिली है, बोले क्यों भागवत में है, बोले भागवत मैंने ही पढ़ा है, भागवत मैंने ही पढ़ा है, आपको भागवत से कहाँ मिला, कहाँ है। तो महाप्रभु ने फिर उन्होंने दिखाए भागवत में कहाँ कहाँ पर ये लक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही है, कहाँ कहाँ पर। देखो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, समझो जो महाप्रभु को धारा में आए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रस्ताने, किसको पास में पढ़नी चाहिए, वैष्णव। बोले वैष्णव तो 4 संप्रदाय हैं, हाँ श्री ब्रह्म रुद्र सनक है, लेकिन कौन सा वैष्णव का अनुगत में पढ़नी चाहिए, बोले एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, ये चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग, किस कौन सा भक्त का संग करनी चाहिए, बोले महाप्रभु को धारा में जो अभिषिक्त है, ऐसे वैष्णव का चरण में अगर आश्रय करोगे, तबे तो बुझी में तुम्हें सिद्धांत तरंग, तभी सिद्धांत का तरंग में तभी प्रवेश कर सकते हो। इसलिए उन्होंने आंखों में अंगुल देकर दिखा दिया, देखो ये उद्धव जी जब ब्रज में आए,
जब राधा रानी की प्रेम को उन्होंने देखा, कितना उद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। इसलिए उन्होंने दिखा दिया, देखो कैसे यहाँ पर जो उद्धव जी ब्रज में आए, जब राधा रानी की प्रेम को उन्होंने देखा, वो कहते नायम श्रीअंगम नित्यांत रते प्रसाद। यहाँ पर श्री की शब्द आया है, भले लक्ष्मी भी बैठ करके तपस्या कर रही हैं, ये लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, ये ब्रज गोपियों को वो सौभाग्य, देवियों को जो सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुई, कहते वो सौभाग्य लक्ष्मी को। फिर दूसरे जब जिस समय काली और नाग पत्नियों ने जब कृष्ण की स्तुति की, बोले बिहाय कमान सुचिर धृत व्रता, वो भी वैकुंठ छोड़ करके अभी भी बैठ करके तपस्या कर रही हैं। उनने तीन चार जगह पर उनने दिखा दिया, देख करके बोले भैया हमें भी भागवत पढ़ा, हमें तो ये बात मिली नहीं, क्यों महाप्रभु धारा में आई नहीं ना, इसलिए महाप्रभु धारा में जो आई उनको। फिर उन्होंने कारण बताए क्यों, कृष्ण में विशेष क्या चीज है जिसके लिए लक्ष्मी तपस्या कर रही है। कहते कृष्ण में विशेष चार चीज है, बोले वो चार चीज क्या है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकुजित असो मानार्ध रूप श्री भीष्मा पीत चराचरम। उनका जो पहला माधुर्य बताए, उनकी लीला माधुर्य है। आप बताओ कृष्ण के सिवाय कोई रास रचाया है, कृष्ण के सिवाय कोई मखन चोरी की है, कृष्ण के सिवाय कोई कृष्ण को बांधे है, कृष्ण के सिवाय कोई सखाओं को झूठा न खाए हैं क्या, नहीं। इसलिए कहते प्रज्ञा यद्यपि लीला मनोहरा नहीं जाने स्मृति रासे मन में किदृश भवे। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं जब रासलीला को बारे में मैं स्वयं सोचता हूँ ना, पता नहीं मेरे मन में भी खिलबिल खिलबिल मच जाती है। ये एक माधुर्य। जो दूसरा माधुर्य है भगवान की बंसी माधुर्य, जिस माधुर्य में त्रिजगत मानसा करची, कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, जिस बंसी ध्वनि के द्वारा क्या करते हैं, ये जमुना उल्टी बहने लग जाती है, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाती है और गिरिराज गोवर्धन तुम पिघल होकर बहना शुरू कर देती है। उनका जो तीसरा माधुर्य है वो प्रेम माधुर्य है। रूप गोस्वामी प्रेम माधुर्य में दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं उनकी रास लीला, ब्रह्मा का एक दिन तक उन्होंने रास की, लेकिन गोपियों को कैसे लगा अभी आए और अभी खत्म हो गई। कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, उसी समय गोपियां क्या करती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मपश्चताम कोटिल कोंतलम श्रीमुखम चते जड़ दीक्षताम पाक्ष्मके दृशाम। इसलिए कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं, मीठी मीठी कृष्ण बंसी बजाने पर, बंसी बजाने पर गोपियां दर्शन करने आती हैं और उसी समय जो उनका आग की पलक झपती है, पता नहीं चलता, लेकिन लगता है जैसे करोड़ों काल बीत गया कृष्ण को दर्शन किए हुए। चौथा जो माधुर्य है, जिनकी रूप माधुर्य बताया, ऐसे कृष्ण की रूप माधुर्य है। ये लक्ष्मी की बात छोड़ दो, हमारी श्री भागवत में बताए लक्ष्मी को तो बात छोड़ दो, जो बैकुंठ छोड़कर यहाँ तपस्या कर रही हैं, कहती है नारायण स्वयं चोरी करते हैं। कौन चोरी करता है, अरे बोलो कौन चोरी करता है, नारायण चोरी करते हैं। बोले क्या, बोले बच्चों को द्वारका में चोरी किया उन्होंने, हैं? जब ब्राह्मण का बच्चे को चोरी की, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा रक्षा करेंगे नहीं रक्षा कर पाए, तब अर्जुन को लेकर कहाँ गए, बैकुंठ में गए। स्वयं नारायण कहते बोले प्रभु आपके ये रूप दर्शन करने के लिए मैंने ये बच्चों को चोरी किया। भगवान चोरी करते हैं, कृष्ण इतने सुंदर। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण ने माधुर्य देखी वासुदेव रे खोब, कहते वसुदेव नंदन, वासुदेव जब ब्रजेंद्र नंदन की कथा सुनते हैं उनके मन में खोब प्रकट हो जाते हैं। बोले उनकी छोड़ दो, कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जब अपना मूर्ति को परछाई को दर्शन करते हैं वो स्वयं पागल बन जाते हैं। कहते अपर कलित पूर्वम कश्च मात कर, कौन है इतने सुंदर। कृष्ण स्वयं अपना रूप में आकृष्ट होकर के कलिजुग में इसलिए श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री महाप्रभु रूप में आए और स्वयं कृष्ण होकर के दिन रात
हा कृष्ण बोल करके कृष्ण प्रेम में पागल होते थे। इसलिए हम लक्ष्मी के पास में आए, लक्ष्मी से शिक्षा लेना है। लक्ष्मी भी जिस वस्तु को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, तो वस्तु कितने दुर्लभ है, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यवान, हम लोग श्री महाप्रभु का धारा में, हम जो प्रभुपाद का धारा में, हमारी गुरु परंपरा का धारा में जो हम आए हैं ना, महाप्रभु हमें आसानी से, कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल गुरु वैष्णव के आनुगत्य में। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस इतना करने पर हमें मिल जाएगा, इसलिए हम यही बोलकर अपना भक्तव्य को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्प दुर्भ्य कृपा सिंधु पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमः।